सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी और आप सात संगत माँ के आशीर्वाद से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के एक घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें, दया के सागर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, जो समागम टाइम की है। सात संगत जी, 61वें निरंकारी संत समागम की तैयारियां जोरों पर थी। जन जन के हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज स्वयं प्रतिदिन सुबह शाम रात प्रत्येक राउंड में जाकर व्यवस्था को देखते थे। बात उस दिन की है जब समागम शुरू होने में सिर्फ 2 दिन शेष थे। पूजनीय महात्मा कमल कुमार जी के मन में बहुत दिनों से एक प्रार्थना एक बहन के लिए करने के लिए ध्यान मन में बना हुआ था कि एक बहन के लिए अरदास सतगुरु बाबा जी के चरणों में करनी है, परंतु सतगुरु बाबा जी के अनमोल समय में प्रोग्रामों में बाधा ना पड़े इसका ख्याल आते ही वह प्रार्थना मन में ही दब जाती थी। परंतु उस दिन भाव का वेग तेज होने के कारण दास ने यानी कि आदरणीय महात्मा कमल कुमार जी ने वह प्रार्थना जो कि हजूर की सेवा में रहते हैं एक महात्मा के द्वारा, जो महात्मा बाबा जी की सेवा में रहते हैं उस महात्मा के द्वारा महात्मा कमल जी ने यह बात हजूर के चरणों में रखने की प्रार्थना कर दी कि एक बहन जो उत्तरांचल की है बचपन से ही वह सेवा सत्संग सिमरन करते हुए हर समागम में आती है, परंतु अब की बार वह नहीं आ पा रही है क्योंकि उस बहन का ऑपरेशन हुआ था रसौली का और डॉक्टर ने 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बताया था। इसके बावजूद उस बहन का पूरा ध्यान संत समागम की ओर ही लगा हुआ था। महात्मा कमल कुमार जी ने मन को बहुत काबू करने के बाद प्रार्थना करते हुए यह उस महात्मा को कह दिया कि यदि कृपा हो जाए तो सतगुरु बाबा जी यदि उस बहन को फोन के द्वारा आशीर्वाद प्रदान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। यह कहकर उस बहन का फ़ोन नंबर भी उस महात्मा को दे दिया। बाबा जी बहुत अधिक बिजी थे, महात्मा कमल कुमार जी को लग नहीं रहा था कि यह बात हो पाएगी। फिर भी उस महात्मा ने महात्मा कमल कुमार जी से कहा, कोई बात नहीं, आपकी यह प्रार्थना सतगुरु देव के सामने दास रख देगा। उस दिन बाबा जी समागम ग्राउंड नंबर 4 में थे और लंगर ग्रहण कर रहे थे। उस महात्मा ने कहा, लंगर ग्रहण करने के बाद मैं प्रार्थना कर दूंगा। यह कहकर वे महात्मा अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद वह महात्मा बाहर आए और कहने लगे, कमल जी अभी तो मौका लगा नहीं, शाम को जब बाबा जी अपने ऑफिस में बैठेंगे तब मैं आपकी प्रार्थना बाबा जी के चरणों में रख दूंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो महात्मा कमल जी के मन की अवस्था कुछ निराशा वाली हो गई कि समागम शुरू होने में सिर्फ 2 दिन शेष थे और ऑफिस में बहुत सारे काम रहते हैं। मुझे लगा कि यह संभव नहीं होगा। हम चुपचाप सभी निरंकारी कॉलोनी कोठी में आ गए। शाम को जब दास अपने ऑफिस स्टूडियो में था
तो दास ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर उस महात्मा को फ़ोन किया कि क्या हुआ, वह प्रार्थना स्वीकार हुई या नहीं। बाबा जी के चरणों में वह प्रार्थना रख दी गई है या नहीं। इस पर उस महात्मा ने कहा कि कमल जी, पहले आप उस परिवार से फ़ोन पर बात करो, फिर मुझसे बात करो। महात्मा कमल जी ने उस परिवार को फ़ोन लगाया। उधर से उत्तर सुनकर महात्मा कमल जी हैरान रह गए, आंखों से आंसू निकल आए। वह बहन रो रो कर कह रही थी, महापुरुषों जी, आपने तो हमें घर बैठे ही निहाल कर दिया, पूरे परिवार का महासमागम करवा दिया। बाबा जी ने फ़ोन पर पूरा हालचाल पूछा, काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझसे तो बात की ही, मेरे परिवार के और सदस्यों से भी बात की, मेरी बुजुर्ग सास और ससुर से भी बात की। बाबा जी की आवाज़ सुनकर सभी गदगद हो गए। पूरा परिवार खुशी से रो रो कर यह बात बता रहा था। महात्मा कमल जी को भी बहुत विचित्र लग रहा था, इतनी जल्दी बाबा जी विनती स्वीकार कर लेंगे ऐसा अंदाज़ा मुझे नहीं था। शायद इसीलिए ग्रंथों में सतगुरु को शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहा गया है। यह तब है जबकि उस बहन ने ऐसी प्रार्थना करने के लिए महात्मा कमल जी से कभी नहीं कहा था। वह तो उनके मन के भाव थे जिसे सतगुरु बाबा जी ने पूर्ण किया। यह एक उल्लेखनीय बात है कि साकार सतगुरु की अपनी सीमाएं वे मर्यादाएं होती हैं। शरीर में होने के कारण शारीरिक सीमाओं को तो मानना ही पड़ता है। कोई भी शरीर इतना सक्षम नहीं हो सकता कि लाखों श्रद्धालुओं से इस प्रकार कॉन्टैक्ट कर सके। इसलिए शिष्य इस निराकार प्रभु में सतगुरु के चरणों का ध्यान करते हैं और इस प्रकार अपनी भक्ति को संपूर्ण करते हैं। इसी भाव को दृष्टि में रखकर उस बहन ने फ़ोन पर बात करके आशीर्वाद लेने की कोई मांग नहीं की थी। साथ ही यह भी तो कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले। हम सौभाग्यशाली हैं कि सतगुरु साकार रूप में जहाँ हम सबको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, वहीं निराकार रूप में सतगुरु सबको हमेशा देख रहा होता है, सबकी भावनाएं सुन व समझ रहा होता है। जिनका हृदय से ऐसा विश्वास होता है वह धन्यता के पात्र होते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 61वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर अपने विचारों द्वारा हमें समझाया कि इस विशाल समागम में जो भी भाव प्रकट किए जा रहे हैं वे सब उसी ओर अग्रसर किए जा रहे हैं कि इंसान समझे और संभल कर रहे, मानवीय गुणों से युक्त रहे, हमेशा ही मन में मालिक प्रभु परमात्मा के अस्तित्व का एहसास रहे, बुजुर्गों का भी आदर सत्कार रहे। इसी प्रकार सब सच्चे धर्म मानव धर्म पर चलते चले जाएं, ऐसे रास्ते पर चलें जिस पर चलने से हमेशा ही कल्याण होता है, यश प्राप्त होता है, औरों के लिए हम सुख के कारण बनते हैं। इस तरह सतगुरु बाबा जी ने यहाँ पर भी अपने विचारों द्वारा यही समझाया है कि हमने हर एक का आदर सत्कार करना है, प्यार से रहना है, हमने सबको समदृष्टि से देखना है। और सतगुरु कहते हैं कि हम जागे हैं तो हमने औरों को भी जगाना है। हम जब जीवित हैं, सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ना ऑक्सीजन हमने बनाई है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड हमने बनाई है।
पेड़ों की छोड़ी ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और हमारी छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ग्रहण कर लेते हैं, मगर ये दोनों गैसें ना मानव ने बनाई हैं ना पेड़ों ने बनाई हैं, ये दोनों ही परमपिता परमात्मा ने बनाई हैं। जिन फलों को हम दुकानों से खरीदते हैं वे किसी पेड़ पर पैदा होते हैं, किसी पेड़ पर उगते हैं और पेड़ उन फलों की किसी से कीमत नहीं लेता। जैसे कि पानी नदियों से आता है लेकिन नदियां किसी से पानी की कीमत नहीं लेती, जबकि विभिन्न राज्यों के जल बोर्ड पानी की विभिन्न कीमतें वसूलते हैं, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। श्रम शक्ति का मूल्य तो चुकाना ही चाहिए, इसी में तो हमारा भी गुजारा है। जमीनें बेच बेच कर लोग करोड़पति अरबपति आदि क्या क्या नहीं बन गए, परंतु जमीन क्या किसी की है। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, बादशाह अकबर आदि कितने ही महान व्यक्तित्व आए और चले गए, फिर भी धरती वही की वही है। श्री राम जी चले गए, अयोध्या वही है। शाहजहां चले गए, लाल किला आज भी यही है। एक सुई तक भी साथ नहीं जाती। चीज़ों के नष्ट होने पर आदमी रोता है, मगर आदमी के नष्ट होने से एक भी चीज़ नहीं रोती। अरबों की जमीनों का मालिक जब ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़मीन के कागजों से आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकती। आदमी एक इंच जमीन के लिए पूरे खानदान को दाव पर लगा देता है, मगर हैरानी की बात यह है कि फिर भी समझदार कहलाता है। सही मायनों में समझदारी जिसे कहते हैं, वह तो सतगुरु पीरों पैगंबरों की शरण में आने से ही मिलती है। सौभाग्य की बात है कि यह समझ बांटने का सिलसिला संत निरंकारी मिशन द्वारा 1929 से जारी है। दिल्ली की धरती पर संपन्न होने वाले वार्षिक संत समागम भी इसी लक्ष्य से आयोजित होते आए और अब समालखा की धरती पर लाखों करोड़ों की संख्या में ये संत समागम होते आ रहे हैं, आयोजित होते आ रहे हैं और इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जागृत लोग शामिल होते हैं। जागने वाला ही तो किसी और को भी जगा सकता है, जला हुआ दीपक ही तो किसी और को भी जला सकता है, भले ही वह मिट्टी का हो या मिट्टी का ही क्यों ना हो। बुझा हुआ दीपक किसी और दीपक को नहीं जला सकता, भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो। कहते हैं कि हमेशा यही सतगुरु समझाते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कि हे मुसाफिर तू हे मानव तू मुसाफिर है, तू यात्री है और तेरा ये जागने का समय है। यदि अब भी नहीं जागा तो फिर कब जागेगा, इसलिए तू जाग जा, अब तेरे लिए सवेरा हो चुका है, अब रात नहीं है। पता नहीं ये श्वास कब कहाँ ख़त्म हो जाए, इसलिए हम खुद भी इस तरफ जागें और औरों को भी आवाज़ देकर उन्हें भी जगाएं, खुद भी जागें औरों को भी जगाएं। ये नहीं कि हम खुद भी सोए रहें और औरों को भी सुलाते रहें, नहीं, उठें जागें सत्य के प्रति स्वयं के प्रति। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। हमने जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो इस परमपिता परमात्मा को पा लेता है वही इस तरफ से जागा हुआ है। मानुष जन्म पता नहीं कितना ये मिला है, कितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं। इन श्वासों के रहते ही जीते जी ही मुक्ति पानी है और ये मुक्ति का दाता सतगुरु आया हुआ है सारे संसार के लिए और सभी को जगा रहा है। आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद बंदे प्या बनावे मेरे जय हवाना नू। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी संपूर्ण अवतार पानी के इस पावन शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि आ जाओ इस परमपिता परमात्मा को पालो, ये मेरे जैसे हैवानों को इंसान बना रहा है। जब तक इंसान सतगुरु की शरण में नहीं आता वह इंसान बन ही नहीं सकता, इसलिए फिर देरी किस बात की, आओ वक्त का सतगुरु माता
सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए हैं, सारे ही संसार के लिए आए हुए हैं। आ जाओ इनकी शरण में और अपना जीवन सफल बना लो, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। दासी दि शब्दों से आप जी के चरणों से यह आशीर्वाद मांगती है। अगर कोई गलती हो गई है तो आप जी क्षमा करना और अपने चरणों से लगा के रखना। सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।